वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए व्रत में खाए जाने वाला चिल्ले की रेसिपी, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है, जिसे हम खाने से पूरा दिन एनर्जी भी देगा और जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से झटपट कभी भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए बॉईल किया हुआ आलू, जिसे हमने कद्दूकस करके लिया है, एक बाउल कुट्टू का आटा, आधी कटोरी फेटी हुई दही, बारीक कटी हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, देसी घी, बारीक कटी हरी धनिया, सेंधा नमक और पानी। सबसे पहले एक बाउल में लेंगे कुट्टू का आटा, फिर हम लेंगे कद्दूकस किया हुआ आलू, कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, सेंधा नमक, दही, इन सबको हम मिला लेंगे। फिर इसमें हम मिलाएंगे पानी, इसको हैंड बीटर से मिक्स करेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा मिलाना है, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना बने। इसको हमें बराबर चलाते रहना है। इसमें हमने दो बाउल पानी यूज किया है। पानी कम ज्यादा आप अपने हिसाब से यूज करें। आप देख सकते हैं बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसमें मिलाएंगे बारीक कटा हरी धनिया और इसको भी बैटर के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इधर हमारा बैटर बनकर तैयार है। दूसरी तरफ हम पैन गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे देसी घी। देसी घी को हम चारों तरफ फैला लेंगे, फिर उसमें हम डालेंगे अपना बैटर। बैटर को चलाते हुए हमें चारों तरफ फैला लेना है इस तरह से। इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके ऊपर चारों तरफ से घी डाल देंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह सिके। इसको हम चेक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी साइड्स को छोड़ने लगा है। अब चिल्ले को पलट के हम दूसरी तरफ सेकेंगे इस तरह से। इसको दबाते हुए हमें सेकना है, जिससे कि ये कच्चा ना रहे। चिल्ले को दोबारा पलट के हमें सेकना है, जिससे कि ये कुरकुरा सिके। इसे एक बार और पलट लेंगे, इसको दबाते हुए सेकते रहें। अब आप देख सकते हैं हमारा चिल्ला बनकर तैयार है। इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। इसी तरह हम अपने बाकी चिल्ले को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस चिल्ले को बहुत ही कम घी में बनाकर तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। इसको व्रत में खाने से आपके बॉडी को पूरे दिन एनर्जी मिलेगी और आपको भूख भी कम लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चिल्ला बनकर तैयार है। इसको भी हम दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा चिल्ला कितना टेस्टी और क्रिस्पी बना है, ये देखिए। चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। मैंने इसको यहाँ पर दही और हरी चटनी साथ सर्व किया है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। इस रेसिपी को आप ट्राई एक बार ज़रूर करें और आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।